उन्होंने एक दूसरी बात बताई। मैं गंभीर सवाल पूछता हूं, आखिर ये शाहजादे है कौन? एक एमपी है क्या? हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस के लोग, गुप्तचर तंत्र के लोग, भारत की अत्यंत गुप्त जानकारी उस व्यक्ति के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं जिसने कभी गुप्तता का कोई शपथ नहीं लिया है, उसके साथ शेयर कैसे करते हैं? देश जानना चाहता है। और आए दिन हिंदुस्तान की सरकारों के लिए घंटों घंटों तक विवाद करने वाले लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, कोई बताए क्यों हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस शाहजादे को जाकर के रिपोर्टिंग करती है? क्या कारण है कि हिंदुस्तान की सरकार की खुफिया एजेंसी के लोग उनके राजनीतिक भाषणों के लिए इनपुट देते हैं? और इतना ही नहीं, शाहजादे ने जो गंभीर बात बताई है, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर में आईएसआई कुछ मुस्लिम नौजवानों के संपर्क में है। शाहजादे, सरकार आपकी है, देश पर हुकूमत आपकी है, आपकी पार्टी की है, क्या कारण है कि आईएसआई आपके नाक के नीचे उत्तर प्रदेश के गलियारे में जाकर के अपने पैर पसारने की ताकत रखती है? आप कर क्या रहे हो? देश जवाब मांगता है। मैं शाहजादे को आह्वान करता हूं, आपने उस दंगों के कारण जो पीड़ित नौजवान रिलीफ कैंप में रह रहे हैं उन पर एक गंभीर आरोप लगाया है, और आपने आरोप ये लगाया है कि वे लोग आईएसआई से मिले हुए हैं। शाहजादे साहब, आपका जिम्मा है वो कौन नौजवान है उनके नाम घोषित करो, सार्वजनिक करो, वे कौन है जो आईएसआई के साथ मिले हैं। और अगर नाम घोषित नहीं करते हो, किसी कौम पर इस प्रकार का इल्जाम लगाने से पहले आपका जिम्मा बनता है कि आईएसआई, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, हिंदुस्तान के उन कौन नौजवानों के साथ जुड़ी हुई है उसके नाम घोषित करो। और अगर नाम नहीं है, हिंदुस्तान के उन नौजवानों की आप सार्वजनिक रूप से माफी मांगो।